हेलो फ्रेंड्स, सब सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू टेक्निकल्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर का FRP लॉक, गूगल अकाउंट अनलॉक कैसे करें, वो भी दोस्तों बिना PC या कंप्यूटर के। दोस्तों, यहां पे हम वाईफाई कनेक्ट करा के आपको दिखा देते हैं कि इसमें FRP लॉक है, जो कि कस्टमर ने इसे हार्ड रीसेट किया है, इसके वजह से दोस्तों ये FRP लॉक आया है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जो बिना कंप्यूटर या PC के आप इस ट्रिक को फॉलो करके दोस्तों अपना FRP लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम फटाफट इसको आपको दिखा देते हैं कि इसमें जो है FRP लॉक है, और यहाँ पे ये जो कुछ सेटअप है दोस्तों वाईफाई को कनेक्ट कराने के बाद, ये यहाँ से डोंट कॉपी पे क्लिक कर देंगे, और डोंट कॉपी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपके सामने नया इंटरफेस जस्ट ए सेकेंड का आ जाएगा। और यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं चेकिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ से हम यूज़ माई गूगल अकाउंट इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे, और आप यहाँ देख सकते हैं चेकिंग इन्फॉर्मेशन के जस्ट बाद आपके सामने ये आ जाएगा कि ये डिवाइस है रीसेट किया गया है। तो दोस्तों, इसे अनलॉक करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और एकदम बैक आ जाते हैं दोस्तों। और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आने के बाद, और आप देख सकते हैं चूज वाईफाई नेटवर्क, यहाँ पे हमें जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आती है जो बार कोड की, तो यहाँ दोस्तों नहीं आ रही है। तो आप क्या करेंगे, एकदम बैक आ जाएंगे, और बैक आने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जल्दी 2-3 बार क्लिक करना है ये होम पेज पर, होम स्क्रीन पे इंटरफेस पे। और जैसे ही क्लिक करेंगे 2-3 बार, आप देख सकते हैं चेकिंग फॉर अपडेट्स करके आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और इसे बैक करेंगे, जैसे ही बैक करेंगे CL वाईफाई नेटवर्क्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ देख सकते हैं ऐड नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा देखिए इंटरफेस आ जाएगा बार कोड का। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको इम्पोर्ट पर जाना है ये इमेज वाले आइकन पर, और यहाँ पर रिसेंट पे 3 डॉट लाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ से दोस्तों इस ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से बैक आ जाना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमें ज़्यादा लॉन्ग प्रेस करना है दोस्तों गैलरी वाले ऑप्शन पे, और जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ से परमिशन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे सर्च बॉक्स पे कर देंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ से हमें करना है क्रोम को टाइप। तो यहाँ फटाफट क्रोम को लिखते हैं CHROME, और जैसे ही लिखेंगे दोस्तों इसे सर्च करेंगे तो ये नो रिज़ल्ट फाउंड करके आ रहा है। दोस्तों एक बार फिर से ट्राई करते हैं CHROME, अभी जैसे ही लिखेंगे आप देख सकते हैं कि ये आ गया, और यहाँ से दोस्तों हमें ओपन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आए आप देख सकते हैं नीचे ओपन लिखा हुआ है, ओपन पर क्लिक करना है दोस्तों, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देना है, और यहाँ से नो थैंक्स कर देना है। और नो थैंक्स करने के बाद दोस्तों हमें 2 ऐप को डाउनलोड करना है, जो कि दोस्तों अभी हम आपको आगे बता रहे हैं। यहाँ पे हमें लिखना है सर्च बॉक्स में दोस्तों, हमें लिखना है FRP फाइल्स और FRP files.com, और यहाँ देख सकते हैं ये आब्लिक बाईपास पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और वेबसाइट ओपन होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं बाईपास गूगल अकाउंट 2022 करके ये पहला इंटरफेस आएगा, और आपको नीचे आ जाना है दोस्तों। और नीचे आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐप एक ही वेबसाइट पर दिए गए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सेटिंग ऐप दिया हुआ है ओपन करने के लिए, और यहाँ आप देख सकते हैं नीचे गूगल सेटिंग्स .apk हुआ है, इसे हमें डाउनलोड करना है गूगल सेटिंग्स .apk पे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा डाउनलोड का, और ये होने लगा है डाउनलोड, 28.47 MB का है। और नीचे आ जाएंगे दोस्तों, एक ऐप और हमें डाउनलोड करना है जो है क्विक शॉर्टकट मेकर 2.4.0, और इसको जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों ये ऐड आ गया। सॉरी दोस्तों, एक बार फिर ट्राई करते हैं, देखिए ये आ गया, ये भी हो रहा है डाउनलोड, और हो जाने देते हैं जल्दी से दोस्तों दोनों को डाउनलोड। और डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं ये हो रहा है डाउनलोड, तो हम फटाफट वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं, हो जाते हैं तब डाउनलोड। और डाउनलोड होने के बाद दोस्तों सबसे पहले गूगल सेटिंग्स को हमें इंस्टॉल करना है, सेटिंग से परमिशन दे के, तो फटाफट इसे सेटिंग से परमिशन दे देते हैं, और यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, और ये इंस्टॉल होने में ले सकता है थोड़ा सा वक्त।
तो ये हो गया हमारा गूगल सेटिंग वाला ऐप इंस्टॉल, और उसे डन कर देना है। और उसके बाद क्विक शॉर्टकट मेकर ऐप को हमें इंस्टॉल करना है। तो फटाफट इसे भी क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाए, इसे हमें ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आएगा, ओके कर देंगे। और यहाँ से हमें सेटिंग्स लिखना है दोस्तों, SETTING। और जैसे ही सेटिंग लिखेंगे आप देख सकते हैं यहाँ कुछ इस तरीके का आ जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस। तो उसके बाद दोस्तों हमें नीचे करना है स्क्रॉल करके। और नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं सर्विस मोड के नीचे एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिया है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन ओपन आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ से हमें जो कि आप देख सकते हैं पहला वाला है, इस पर क्लिक करेंगे और ट्राई पे इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ट्राई पे क्लिक करेंगे दोस्तों ये सेटिंग्स में ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी में जाना है, और उधर सिक्योरिटी सेटिंग में जाना है, और डिवाइस एडमिन ऐप पे जाना है। और ये दोनों को अगर इनेबल है तो डिसेबल कर देना है। यहाँ तो फिलहाल हमारा है डिसेबल, तो यहाँ पे डीएक्टिवेट है मेरा। और अगर आपका एक्टिवेट हो तो उसे आप डीएक्टिवेट कर देना है। और डीएक्टिवेट करने के बाद दोस्तों सिंपली बैक आ जाएंगे। और बैक आने के बाद दोस्तों हमें ऐप एंड नोटिफिकेशन में जाना है, और यहाँ से ऑल ऐप में जाना है, और नीचे आके गूगल प्ले सर्विसेज को हमें डिसेबल करना है। तो आप देख सकते हैं ये है गूगल प्ले सर्विसेज, और इसे हमें इसका फोर्स स्टॉप यहाँ देख सकते हैं डिसेबल ऐप लिखा हुआ है, इसे डिसेबल कर देंगे। और जैसे ही डिसेबल करेंगे दोस्तों ये ऐप हो जाएगा डिसेबल। और उसके बाद दोस्तों सिंपली हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन सेटिंग में जाना है। अब बैक आ जाते हैं, आप देख सकते हैं ये अकाउंट का रहा सेटिंग। और अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने इतना ज़्यादा इंटरफेस आ जाएगा। तो इस वाले गूगल वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे, गूगल वाले ऑप्शन पे करते हैं हम क्लिक। और हमें यहाँ पे एक जीमेल लॉगिन करना है जिसका पासवर्ड हो, यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। और इसका जिसका पासवर्ड और जीमेल दोनों पता हो, तो यहाँ फटाफट दोस्तों देख सकते हैं ये रीडायरेक्ट हो गया है। और यहाँ से हमें देख सकते हैं इसे क्लोज ऐप कर सकते हैं। और क्लोज ऐप करने के बाद दोस्तों ईमेल और फ़ोन पे यहाँ हम फटाफट अपने जीमेल को और पासवर्ड को यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो फटाफट हम यहाँ को अपने जीमेल को डालते हैं। आप कोई सा भी जीमेल इसमें लॉगिन कर सकते हैं, बाद में सेटिंग से रिमूव कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मेरा जीमेल हो गया है लॉगिन। और आपके सामने जैसे ही लॉगिन होगा ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो इसे स्किप पे क्लिक कर देंगे। और स्किप पे क्लिक करते ही दोस्तों ये देख सकते हैं आई एग्री पे क्लिक कर देना। और यहाँ से हमारा जीमेल हो गया है लॉगिन। और थोड़ा सा वेट करेंगे, आप देख सकते हैं ये हमारा जीमेल लगा दिखाने, यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे सिंपली बैक। और बैक आने के बाद दोस्तों जो ऐप हमने किया था डिसेबल उसे कर देंगे इनेबल। तो यहाँ फटाफट उस ऐप को कर देते हैं इनेबल। आप देख सकते हैं ये रहा वह ऐप गूगल प्ले सर्विसेज, और इनेबल पर कर देंगे क्लिक। और जैसे ही इनेबल पर क्लिक करेंगे ये दोस्तों हो गया इनेबल। उसके बाद बैक आएंगे, और बैक आने के बाद दोस्तों हमें आपको दिखा देते हैं, देखिए ये अकाउंट अभी भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रहा ये अकाउंट गूगल अकाउंट जीमेल अकाउंट। और दोस्तों उसके बाद फिर बैक आएंगे, हमने आपको ये दिखा दिया कि हमारे जीमेल लॉगिन है। और उसके बाद दोस्तों हमें ऐप एंड नोटिफिकेशन में जाना है। और ऐप एंड नोटिफिकेशन में जाने के बाद दोस्तों हमें ये देख सकते हैं ऑल ऐप पे क्लिक करना है। और दोस्तों आ जाएंगे गूगल सेटिंग वाले एप्लीकेशन में, और यहाँ से इसे अनइंस्टॉल कर देंगे। और अनइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों हमें फिर जो है बैक आ जाएंगे, सॉरी दोस्तों आप बैक भी आ सकते हैं, या फिर हमें उस ऐप को ओपन करना है। तो हम एक बार फिर जो है दोस्तों ऐप एंड नोटिफिकेशन वाले इंटरफेस पे जाएंगे और ऑल ऐप पे जाएंगे। और ये देख सकते हैं क्विक शॉर्टकट मेकर ऊपर ही दिखा रहा है, तो इसे दोस्तों फटाफट कर देते हैं ओपन। और ओपन करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ये ऑप्शन पे आ गया है जिस ऑप्शन पे हम लोग पहले यहाँ से सेटिंग में गए थे। और यहाँ से आपको दोस्तों लिखना है एंड्रॉयड सेटअप पे क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो दोस्तों एंड्रॉयड सेटअप पे
हमें क्लिक करना है किसी भी एंड्रॉयड सेटअप पे। आप यहाँ नीचे आ जाइए, नीचे वाले पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे ट्राई पे क्लिक करिएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि ये हमारा हैंडसेट को रिबूट ना करना हो। आप देख सकते हैं ये इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों एरो पे, और जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़े वक्त बाद दोस्तों जस्ट ए सेकेंड का नया इंटरफेस आ जाएगा। और इंटरफेस आने के बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्किप कर देंगे। आप चाहे तो अपना एज और जो जेंडर है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ फटाफट स्किप करके आपको दिखा देते हैं कि ये दोस्तों FRP लॉक हो गया है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे कर देंगे क्लिक, और क्लिक करते ही दोस्तों ये देख सकते हैं फिनिश पे करेंगे क्लिक और ये रहा हमारा होम स्क्रीन। तो दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाके जल्दी से लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो आपको किसी भी स्टेप में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप दोस्तों देखिए हमने यहाँ लॉक किया और यहाँ फटाफट ये अनलॉक किया, ये हो गया अनलॉक। दोस्तों आपको अगर कोई सी भी दिक्कत हो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, हर स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये है देख सकते हैं M01 Core M013 F/DS। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करते हो आपको नोटिफिकेशन।